हेलो एवरीवन, एचपी पटवारी के लिए मैं कुछ क्वेश्चन लेके आया हूँ। ये होंगे प्रीवियस ईयर टॉपर के द्वारा कुछ क्वेश्चन मुझे दिए गए हैं। ये क्वेश्चंस उनके बारे में मैं आपको अभ्यास करवाने लगा हूँ, जिसमें हम सैन्य शक्ति के बारे में बात करेंगे, यूनियन टेरिटरी के बारे में बात करेंगे, जो भी इम्पोर्टेंट था अक्टूबर और सितंबर के बीच में वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे ये सभी, आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। 5 से 7 प्रश्न इन्हीं टॉपिक से आएंगे, ये मैं वादा करता हूँ आपसे। दोस्तों देखिए, कुछ क्वेश्चंस कुछ तरह से इस तरह से होंगे। वो टॉपिक पहले जो मैंने एक नोट्स बनाया, मैं उसके पहले क्वेश्चन आपसे शेयर कर लेता हूँ। हिमाचल प्रदेश की सबसे लंबी नदी कौन सी है? वो है दोस्तों सतलुज नदी। सबसे बड़ी लंबी हिमाचल प्रदेश की नदी है, जो कि हिमाचल प्रदेश में 320 किलोमीटर तक फैली हुई है। इसकी कुल लंबाई 1428 किलोमीटर है। 1428 हिमाचल प्रदेश में सतलुज की सहायक नदी बसपा और स्पीति है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिरी नदी किस चोटी से निकलती है? गिरी नदी कम्स फ्रॉम विच पीक? वो है कुप्पर पीक। गिरी नदी कुप्पर चोटी और जुब्बल में है, ठीक है। गिरी नदी कुप्पर चोटी और जुब्बल में है, ठीक है, वहाँ से निकलती है ये। ये नदी पोंटा शहर के गांव मोकामपुर के पास यमुना नदी में मिलती है। हिमाचल प्रदेश में यमुना की सहायक नदी है, वो है गिरी, टोंस, पब्बर और आंध्रा। द वैदिक नेम ऑफ विच रिवर इज अर्जिक्या? द वैदिक नेम ऑफ अर्जिक्या इज ब्यास। ब्यास नदी का प्राचीन नाम अर्जिक्या है और संस्कृत में इसको विपाशा के नाम से भी जाना जाता है। ब्लू लिटमस पेपर इज कन्वर्टेड इनटू रेड इन सॉल्यूशन? और फिर साइंस के कुछ क्वेश्चन करने लगा हूँ, वो है इसका होगा एसिडिक। ब्लू लिटमस पेपर टर्न रेड अंडर एसिडिक कंडीशन। जो नीला लिटमस पेपर लाल रंग में बदलता है, किसके कारण? अम्ल के कारण बदलता है, ए इसका आंसर होगा। रेड लिटमस पेपर इज चेंज इन टू ब्लू, वो होता है वो बेस के कारण होता है, क्षार के कारण होता है, ठीक है, ए इसका भी आंसर होगा। पीएच वैल्यू ऑफ ह्यूमन ब्लड सेल, वो है 7.35 to 7.45 तक नॉर्मली ये रहती है। द एसिड यूज्ड इन आई वॉश में इस्तेमाल होने वाला एसिड कौन सा है? वो होता है दोस्तों बोरिक एसिड, ऑप्थमैलिक। इज यूज एज एन आई वॉश टू क्लीन और इरिटेशन द आई। बोरिक एसिड प्रोवाइड स्मूथिंग रिलीफ फ्रॉम आई इरिटेशन एंड हेल्प रिमूव पोल्यूटेंट्स फ्रॉम द आई सच एज स्मॉग, क्लोरीन और अदर केमिकल्स। विच ऑफ द फ्लोइंग इज प्रेजेंट इन नेल पॉलिश रिमूवर? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्ले करेगा कि नेल पॉलिश हटाने में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व मौजूद होते हैं? वो होते हैं साइट्रिक एसिड, ठीक है। विच ऑफ द फ्लोइंग इज मेड अप ऑफ कार्बन ओनली? निम्नलिखित में से कौन सा केवल कार्बन से बना है? स्पाइडर सिल्क, लैक्सॉन, ग्रेफेन, नन ऑफ दिस। ग्रेफेन इज एन एलोट्रोप ऑफ कार्बन इन द फॉर्म ऑफ टू डायमेंशनल एटॉमिक स्केल हेक्सागोनल लैटिस इन विच वन एटम फ्रॉम ईच वर्टेक्स। इंपॉर्टेंट है ये भी। अब क्वेश्चन करेंगे, हैंड रिटन नोट्स में आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। दोस्तों जो हाल ही में जो क्वेश्चन बनेगा, एक क्वेश्चन यहाँ से कि 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू, ये क्वेश्चन मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, आपको बताता हूँ ये वाला, ठीक है। 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर और लद्दाख यूनियन टेरिटरी के रूप में, केंद्र शासित प्रदेश के रूप में इनको मिलाया गया, सम्मिलित किया गया है। तो टोटल अब यूनियन टेरिटरी हो गए हैं 9 और राज्य बन गए हैं 28। ऐसे आ सकते हैं भारत में टोटल यूनियन टेरिटरी कितने हैं, केंद्र शासित प्रदेश कितने, वो है 9 और राज्य कितने हैं 28। ये भी इंपॉर्टेंट प्ले करेगा क्वेश्चन। 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस भी मनाया जाता है, ये सरदार वल्लभ भाई जिनका जन्म दिवस भी इसी दिन आता है। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में जिलों की संख्या कितनी है, वो है 22 जिलों की संख्या है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये भी क्वेश्चन।
ऐसे कौन से दो जिले हैं, मैं थर्ड क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, ऐसे कौन से जिले हैं जम्मू कश्मीर में जो भारत के नए नक्शे में पोक अधिकृत इन दो जिलों को शामिल किया गया, मतलब कि भारत के नक्शे में इसे सम्मिलित किए गए, सम्मिलित किए गए, वो है मुजफ्फराबाद और मीरपुर को किया गया। इंपॉर्टेंट, यूटी केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में जिलों की संख्या सिर्फ दो है, ये भी याद रखना। और भारत का सबसे बड़ा जिला है लेह। भारत का सबसे छोटा जिला कौन सा? माही, वो है पांडेचेरी में, सिर्फ 9 किलोमीटर तक फैला हुआ है, एरिया वाइज मैं बात कर रहा हूँ, 9 किलोमीटर तक फैला हुआ कौन सा सबसे छोटा जिला? माहे। आगे चलते हैं, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल कौन है? वो है गिरीश चंद्र मुर्मू जी। ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के पहले उपराज्यपाल कौन थे? केंद्र शासित प्रदेश कौन बने? ठीक है, वो है राधा कृष्ण माथुर। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? वो है लद्दाख। क्षेत्रफल की दृष्टि से लद्दाख है। और सबसे छोटा यूनियन टेरिटरी है वो है लक्षद्वीप। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है वो है दिल्ली। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है वो है लक्षद्वीप। वर्तमान में कितने राज्यों में विधान परिषद है? वो है 6 में, वो है आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, बिहार और कर्नाटका में टोटल विधान परिषदें हैं। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख की राजधानी क्या है? केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख की राजधानी है वो है लेह। लद्दाख की सीमा से कितने राज्यों की सीमाएं लगती हैं? वो है, एक राज्य की सीमाएं लगती हैं वो है हिमाचल से। वैसे इस तरह से पूछा जाए, लद्दाख की सीमा एक राज्य वो है हिमाचल प्रदेश और एक यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर से लगती है। ऐसे क्वेश्चन आए, लद्दाख से कितने राज्यों की सीमा लगती, एक पर ऐसी आ जाए, लद्दाख की कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश से सीमाएं लगती, तो टोटल होगा 2। जम्मू कश्मीर की सीमाएं एक राज्य पंजाब और एक हिमाचल प्रदेश और एक यूनियन टेरिटरी लद्दाख से लगती है, टोटल 3 हो गया। लद्दाख की सीमा कहाँ कहाँ लगती है? वो है चीन, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के साथ लगती है। 5 अगस्त 2019 को विशेष राज्य का दर्जा जम्मू कश्मीर का समाप्त कर दिया गया। ठीक है, 5 अगस्त को क्या विशेष राज्य का दर्जा जम्मू कश्मीर का समाप्त कर दिया गया था। इम्पोर्टेंट थे सभी क्वेश्चन ये दोस्तों। जो हाल ही में सैन्य शक्ति अभ्यास हुए थे वो भी बड़े इम्पोर्टेंट प्ले करेंगे इस एग्ज़ाम में, जैसे कि वरुण नौसेना किस सैन्य शक्ति अभ्यास है, किसको नाम दिया गया था, वो हुआ था फ्रांस और भारत के बीच में मई 2019 से। सिम्बैक्स अपने में एस और आई आ रहा है, तो सिंगापुर और भारत के बीच में हुआ था ये नौसेना अभ्यास। उसी तरह से जिम्बैक्स भारत और जापान, जे और आई नौसेना अभ्यास हुआ था। ग्रोप सेल हुआ था भारत, अमेरिका, जापान, फिलीपीन, ये याद करना पड़ेगा। जो ऐसा आया था क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है कि दक्षिण चीन सागर में मई 2019 में कौन सा नौसेना अभ्यास किया गया था, वो किन किन में हुआ था, वो होता है उसका नाम था ग्रोप सेल, भारत, अमेरिका, जापान और फिलीपीन के बीच में ये हुआ था। यूसिनडेक्स वो हुआ था भारत और ऑस्ट्रेलिया, ये तो आपको ऐसे ही लग रहा है पता। ब्रज प्रहार हुआ था, वो था भारत और अमेरिका के बीच में नौसेना अभ्यास। ठीक है, आगे करते हैं और को टॉपिक क्लियर। समेलिंग फील्ड तीनों सेनाओं के मध्य संयुक्त रूप से गुजरात में पाकिस्तान बॉर्डर के निकट पहला युद्ध अभ्यास संपन्न हुआ, वो हुआ था समेलिंग फील्ड। कहाँ पे हुआ था? तीनों सेनाओं के बीच में, नौसेना, थल सेना और वायु सेना के बीच में हुआ था 29 सितंबर 2019 को समेलिंग फील्ड, पाकिस्तान बॉर्डर गुजरात के निकट। हिम विजय नौसेना अभ्यास किया गया था अरुणाचल प्रदेश में। सिट मैक्स हुआ था 2019, सिट एस आई, ठीक है, भारत, सिंगापुर और थाईलैंड के बीच में हुआ था, अंडमान के समुद्र में आयोजन हुआ था सितंबर 2019 में। अगस्त 2019 में किन देशों की 10th कर रहा हूँ मैं कि नौसेना के मध्य वार्षिक द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास कोकण 2019 संपन्न हुआ था, वो हुआ था भारत और ब्रिटेन के बीच में संपन्न हुआ था। जुलाई 2019 में भारत वो किस देश की वायु सेना के मध्य संयुक्त युद्धाभ्यास गरुड़ 6 का आयोजन किया गया था, वो था फ्रांस। ठीक है, भारत और फ्रांस में ही ये आयोजन हुआ था।
गरुड़ शक्ति होती है भारत और इंडोनेशिया के बीच में, मित्र शक्ति है भारत और श्रीलंका के बीच में, सैन्य शक्ति अभ्यास पैसिफिक वैनवार्ड हुआ था मई 2019 में युद्ध पोतों के साथ, युद्ध संयुक्त अभ्यास अमेरिका जापान ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण कोरिया के बीच में ये हुआ था। दोस्तों एक क्वेश्चन है जो बड़ा इंपॉर्टेंट मुझे लग रहा था, मैं आपके साथ शेयर कर दूं। क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि जो शांति इस बार नोबल पीस प्राइज मिला था, जो शांति पुरस्कार था वो मिला था अबी अहमद अली जी को, और वो इथोपिया और इट्रिया सीमा विवाद को ख़त्म करने के लिए नोबल शांति पुरस्कार दिया गया था। ये इम्पोर्टेंट है जो मैं आपके साथ शेयर किए नोबल प्राइज़ का क्वेश्चन। बस दोस्तों यही क्वेश्चन थे जो आपके साथ शेयर करने थे मैंने, वो मैंने कर दिए हैं। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। बाय बाय।